हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, ये वीडियो शायद मंडे या फिर ट्यूसडे को जाएगा। बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। बीच बीच में ना जो हॉल वीडियो है या फिर और कुछ टाइप का वीडियो अगर वो डालती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है वो टाइप का वीडियो बनाना। तो कभी कभार ब्लॉग डालने में लेट हो जाता है और मुझे लगता है कि ब्लॉग बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। और अभी हो रहा है 12:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, और कल हम लोगों का एक इनविटेशन है और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें चाहिए हम लोगों को एंड मुझे भी थोड़ा कुछ कुछ चीज़ चाहिए, और मैंने सोचा कि इस टाइम पर ब्लॉग क्यों ना स्टार्ट किया जाए। और मैं रेडी हो गई हूँ, सिंपल ये टॉप अच्छा था इसीलिए मैंने पहन लिया है और ये जीन्स के साथ डाल लिया है। और हस्बैंड और मैं आज मैचिंग हो गए हैं, और इनका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा अपसेट थी, तो इनको लेके ही चल रहा था सब कुछ। एंड अभी वो ठीक हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। और एक्चुअली जो प्रोग्राम है वो है राइस सेरेमनी का, तो इसीलिए थोड़ा सा ख़रीदारी करनी है। एंड मुझे भी एक चीज़ चाहिए, मैं दिखाती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक हॉल किया था ना, वहाँ पे मैंने ये सब दिखाया था, दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये साड़ी पहनूँ, तो ये पिंक कलर में साड़ी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि यही साड़ी पहनते हैं। तो इसमें पिको एंड फॉल्स करवाने भी जाना होगा, तो ये साड़ी का हॉल रिसेंटली मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ससुराल साइड से मेरा कुछ भी प्रोग्राम रहे तो मैं साड़ी पहन के जाऊँ। साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है, गर्मियों में अच्छा नहीं लगता। ऑल दो यहाँ पे ना वेदर कुछ ऐसा हो के रखा है, गर्मी है, बाहर जाओ तो बहुत गर्मी है एंड अंदर में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। फैन चलाना अभी भी नहीं पड़ता है, बट हवा भी चल रहा है, थोड़ा सा मिक्सड सा वेदर है, इसीलिए बहुत लोगों को तबीयत जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है। तो यही है। और अभी ऑल दो एक गिफ्ट ऑलरेडी खरीदना हो गया है और अभी दूसरा गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो दोनों गिफ्ट जाएगा हमारे घर के तरफ से, तो इसीलिए अभी जा रहा है। क्योंकि शाम के टाइम में अगर दूंगी ना तो फिर मेरा साड़ी का काम नहीं होगा। साड़ी का काम होता है कल संडे है, अगर रात में देती हूँ तो नहीं होगा। तो लेट्स गो। एंड यहाँ पे देखिए इतना सारा आंवला लेके आया है, मेरा एक भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट अभी चलते हैं मार्केट। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आए हैं तीस्ता स्क्वायर में और यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। बहुत दिनों बाद आए हैं, सरस्वती पूजा के बाद हम लोग आए हैं और इस टाइम में तो शायद पहली बार आए हैं। हाँ, 12:30-1 बजे पहली बार आए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमेशा ही जब भी आते हो वो आप तीस्ता स्क्वायर में इतना भीड़ रहता है। भीड़ अभी नहीं है बट हर एक जगह ब्लॉक्ड है। हम लोग भी बैठ गए हैं, थोड़ा सा हवा लेते हैं, हवा खाते हैं। और
बार जस्ट घर वापस आए हैं, मम्मी को दिखाया है, मम्मी को पसंद आया है, यही बड़ी बात है। और हम लोगों ने लिया है बिल्कुल रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन। मुझे बच्चों में ना बहुत ही ब्राइट कलर देखना बहुत अच्छा लगता है। और अभी नहाना भी नहीं हुआ है, नहाऊंगी, घर को थोड़ा सा झाड़ू मारना पड़ेगा एंड उसके बाद नहाना भी पड़ेगा। और आज कुकिंग वगैरह ना जल्दी हो गया है क्योंकि जोशना दी जल्दी आ गए थे और आने के बाद कुकिंग करके चले गए हैं। और हमारा जो और एक हाउस हेल्पर है वो आज नहीं आए थे तो उसका काम भी हो गया है। और मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, अभी नहाने का काम है, अभी नहाना है, पूजा देना है, तो वही है। हे गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने और व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कल ना अचानक से बहुत सारा काम आ गया था। और ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, रात में, बिल्कुल रात में मुझे टाइम मिला कि मैं मोबाइल थोड़ा सा अभी ऑन करूँ, तो इतना बिजी हो गई थी मैं। और अभी है संडे, संडे को भी थोड़ा सा सुबह सुबह काम रहता है, तो अभी हो गया है दोपहर के 2 और मैं नहा धो के बिल्कुल पूजा वगैरह करके सब कुछ करके आ गई हूँ। और यहाँ पे जो बिंदी देख रहे हैं ना, ये चंदन का टीका है जो मैं पूजा करने के टाइम में देती हूँ। और अब आज है राइस सेरेमनी का प्रोग्राम, तो आज हम लोग जाएंगे, दोपहर के ही प्रोग्राम है। तो मैंने तो वो साड़ी जो है ना, वो साड़ी कल बिल्कुल फोल्ड करके अच्छे से रख दिया है, तो ये साड़ी मैं पहनूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा ब्लाउज से पहनूँ। उससे पहले जो है, उससे पहले मैं अपना मेकअप ज़्यादा नहीं करूँगी, जितना भी मेरा जो लास्ट टाइम मैंने जो गेट रेडी विथ मी शेयर किया था वैसे ही थोड़ा सा, दिन का टाइम है ना, मुझे दिन के टाइम में मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है एंड बिल्कुल लाइट टचअप करेंगे। बट आप लोग पूछते हो और हम लोग सभी लोग पसंद करते हैं कि मेकअप थोड़ा सा ग्लोई बने, एंड मेकअप के बिना भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्किन जो है ना, ओरिजिनल स्किन जो है, ग्लोई बने। और मैंने ना अभी मेरे फेस में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, तो मेरा पिंपल का एक स्पॉट है, दैट्स इट। और ग्लोइंग स्किन किसको ना पसंद है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा स्किन केयर रिजीम जो अभी मैं करने जा रही हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ग्लोइंग स्किन पाने के लिए मैं यूज करती हूँ वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी रेंज, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इस रेंज में हम लोगों को मिल जाता है एक फेस वॉश, एक सीरम एंड एक फेस क्रीम। जो स्टेप है वो है फेस वॉश। तो यहाँ पे जो फेस वॉश है वो है वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, जहाँ पे बिल्ट इन ब्रश दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है विटामिन सी ऑयल फ्री फेस सीरम। थर्ड है विटामिन सी फेस क्रीम। तो पहला जो स्टेप है वो है फेस वॉश, तो पहले फेस वॉश करते हैं। पहले मैं यूज करूंगी ये ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विथ बिल्ट इन फेस ब्रश। ये फेस वॉश हेल्प करता है फेस से डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स को क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड मेलानिन ब्लॉकर है, जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड बूस्ट करता है स्किन रेडियंस को। ये फेस वॉश हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग से एंड इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को। इसमें है एक्टिव विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, मलबरी एंड ल्यूकोराइज। सो आफ्टर फेस वॉश मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ और अभी मैं यूज करूंगी विटामिन सी ऑयल फ्री फेस सीरम। सेकेंड है विटामिन सी फेस सीरम। ये हेल्प करता है पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में एंड आपके डल कम्प्लेक्शन को रिवाइव करने में एंड साथ ही आपके स्किन में एक ग्लो ऐड करता है। तो पहले डॉट 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 करके अप्लाई करना है, उसके बाद डैब डैब करना है। एंड फेस सीरम अप्लाई करने के बाद लास्ट जो स्टेप आता है वो है फेस क्रीम। तो अभी हम लोग करेंगे फेस क्रीम को अप्लाई। लास्ट में मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी फेस क्रीम। ये हेल्प करता है स्किन को डीपली मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रखने में। इसमें है विटामिन सी, कोकोआ बटर, शिया बटर एंड हाइलोरोनिक एसिड, जो आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सपल टेक्सचर प्रोवाइड करती है। एंड बेस्ट बात ये है कि वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, लाइक सल्फेट, पैराबेन, सिलिकन या मिनरल ऑयल। इसी के साथ मेरा स्किन रूटीन जो है कम्प्लीट होता है एंड मुझे मिलता है, देखिए, बहुत ही इंस्टेंट सा एक ग्लोइंग स्किन जो आप लोगों के सामने है बिल्कुल। और आप भी ये इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए ये विटामिन सी रेंज यूज कर सकते हो। वाओ की लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TR20 टू गेट 20% ऑफ एट देयर वेबसाइट buywow.in। सो बी वाओ नेचुरली। हे गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने पहनी है ये ग्रीन कलर ब्लाउज के साथ।
सेम जस्ट लाइक मेकअप में थोड़ा सा चेंजेस किया है और दैट्स इट नथिंग. और एक चूर डाल दिया है सेम मंगलसूत्र एंड मंगलसूत्र का ही इयर रिंग मैंने डाल दिया है. एक बार हस्बैंड को दिखा बोलूँगी कि दिखाने के लिए कैसा लग रही कैसी लग रही हूँ. एंड सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी बट कोशिश करूँगी मोबाइल से थोड़ा बहुत शूट करने के लिए. ठीक है, खाना पीना हो गया है. खाने का शॉर्ट्स ना मैंने बंगाली चैनल में बना लिया है तो मेरा बंगाली चैनल को विज़िट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हर रोज़ मैं बंगाली चैनल में शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ. और यहाँ पे मैं पीछे आई हूँ, थोड़ा सा ग्रीनरी देखा तो इसलिए थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया है. यहाँ पे है हस्बैंड और अभी जो प्रोग्राम है ना वो ख़त्म ही होने वाला है तो मैंने दिखाया है. और बच्चा जो है ना बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है. और थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो है वो भी दिखाया है. मेन जगह का डेकोरेशन मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है. एक्चुअली सब लोगों के साथ बातें बातें हो रही है. मेरे ससुराल वाले जो है ना वो बहुत लोग हैं तो ऐसे वाले प्रोग्राम में ही सब लोगों के साथ मिलना होता है. ऑल दो सब लोग जो है ना सब लोग जलपाईगुड़ी में ही रहते हैं बट सबके साथ अच्छी तरीके से बैठना मिलना ऐसा नहीं होता है तो सब लोग मिलकर बातें बातें कर रहे थे तो वहाँ पे ही बहुत सारा टाइम चला गया. हे गाइस, सो अभी अभी घर पहुँची हूँ. अभी हुआ है शाम के 6 और प्रोग्राम ख़त्म हो गया है. सब लोग फिर से हम लोग मिल के गप्पे मार रहे थे और उसके बाद आए हैं. बीच में एक बार घर भी आए थे क्योंकि मेरे मौसी सास उनके बेटियाँ सब लोग आए थे घर में तो उस टाइम में फटाक से आके उन लोगों को बिठा बिठा के फिर मैं चली गई थी और खाना वाना खा के फिर गप्पे मार के और थोड़ा सा घूम के आई हूँ. और अभी शाम की दिया वगैरह जो है ना सब कुछ देना पड़ेगा तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा एंड उस छोटे बच्चे को बहुत बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और अच्छा इंसान बने. बहुत क्यूट हुआ है, बहुत क्यूट हुआ है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं घर ले आऊँ उसको. आप लोगों को पता है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छा लगता है. और सो हाँ, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड. अगर पसंद आया ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी. एंड टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए एंड खुद का ध्यान रखिए. बाय बाय.